प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम एक और बार फिर हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिछले एक साल तक आपने परमेश्वर के वचन को डेली ब्रेड के माध्यम से सुना और कल मैंने जैसा बताया था कि हमारे को एक वर्ष पूरा हो गया और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारे वीडियोस बनाकर आप लोगों ने भेजे जिससे हमको बल मिला, उत्साहित हुए और हम एक और बार जो उत्साहवर्धक बातें आपने हमारे लिए बोली हैं और कही हैं उनके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं और आशा करते हैं कि आप लगातार हमें देखते रहेंगे और हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। आइए हम आज शाम फिर से प्रार्थना में जाएँ। प्यारे जिंदा खुदावंद परमेश्वर, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया कि हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्यारे परमेश्वर आज शाम प्यारे खुदावंद प्रभु फिर से हम तेरी आराधना, उपासना और वचन की गूढ़ और गहरी बातों को सीखना और समझना चाहते हैं, तो उसमें हमारी अगुवाई और मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, ये समय होगा हमारे लिए कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे। पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, वो मिलकर आराधना में हमें लेके जाएंगे। आइए मिलके प्रभु को वो आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है, आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए, जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया गाओ, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया
धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हाँ मंदिर यीशु से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाँ तो हिला के हालेलुया, 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 हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करें उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाएं। तेरी जय जयकार हो, ओ धन्यवाद हो यीशु, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, तेरे लिए
मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है, वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him. हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले तेरी आराधना, आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे अवश्य वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। एक अच्छी आराधना आपने अभी प्रभु को चढ़ाई है और ये समय आ गया है कि हम कुछ देर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसा कल शाम को हम परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 12 पद से लेकर के और 14 पद तक देख रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि कल हमने देखा कि जो भीड़ का स्वभाव कैसा होता है। तो मैं आज फिर से चाहूंगा कि इसी पदों को हम दोबारा पढ़ें। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता कि जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, कल शाम हमने केवल एक भेड़ के स्वभाव के बारे में देखा था, और भेड़ का भटक जाना स्वाभाविक है, भेड़ भटक सकती है, और भेड़ जो है जब भटक जाती है तो उसके चरवाहे का कर्तव्य होता है कि वो उनको ढूंढे और उनको वापस गल्ले में लाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का जो उद्देश्य है उसको मैं आज शाम आपके सामने लाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें लुका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खो कहां गए पहले यह समझ लें, हम कहां खो गए, भेड़े कहां खो गई थे, भेड़े तो थी उसकी लेकिन खो कहां गई। आज मैं आपको शाम को बताना चाहता हूं कि मनुष्य सृष्टि में खो गया। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो इस समय हम निकालें रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य खो कहाँ गया। पहले ये बात तो समझना है कि हम जो परमेश्वर के थे खो कैसे गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया। तो चलिए आगे इस आयत से अपन को समझने को मिलेगा, पढ़े। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। पहली बात, सत्य को अधर्म से दबाना। जब हम सत्य को नहीं मानते, सत्य को छोड़ देते हैं और अधर्म में फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं,
और अपनी परेशानियों के बीच में फंस जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के क्रोध के हम शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ, परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर है। अब आप बोलेंगे ज्ञान कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब मनुष्य पैदा होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विरासत में उसको मिलती हैं। अगर एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति मान लीजिए पानी के जहाज में यात्रा कर रहा है, और जब वो पानी की जहाज में यात्रा कर रहा है और जब वो परमेश्वर, जब वो डूबने लगता है, तो ऐसा मानते हैं कि पानी उसे 3 बार बचने की चांस देता है और पानी उसे ऊपर फेंकता है। और जब पानी उसे ऊपर फेंकता है तो वो जैसे ही पानी से ऊपर आता है तो वो इस मुद्रा में होता है कि वो जोर से आके ऊपर ऊपर जैसे आएगा और वो जो है चिल्लाएगा। और क्या चिल्लाएगा और कैसे चिल्लाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा एक्शन करके बताता हूं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो और हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन सहमत ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप सहमत हैं तो जरूर अपने कमेंट्स में लिख दीजिए कि जब मनुष्य पानी में डूब रहा होता है और जब वो ऊपर आता है तो वो जोर से चिल्लाता है, और जब जोर से चिल्लाता है तो उसकी मुद्रा ऐसी होती है, हाथ ऊपर होते हैं और नजर ऊपर होती है, आंख ऊपर होती है, और वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर मुझे बचाओ, और फिर पानी में चला जाता है। फिर जब ऊपर आता है फिर उसकी प्रतिक्रिया यही होती है, परमेश्वर मुझे बचाओ। फिर तीसरी बार भी वो यही बोलता है, परमेश्वर मुझे बचाओ। हाथ ऐसे होते हैं और नजर ऊपर होती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये हाथ ऊपर होना, नजर ऊपर होना, ये क्या है, ये किस बात को बता रहा है? जंगल में, एक और उदाहरण देकर आपको आगे बढ़ाऊंगा, जंगल में एक व्यक्ति जा रहा है, सामने से शेर आ जाए, जब सामने से शेर आए तब आप कैसे प्रार्थना करेंगे, आप किस परमेश्वर को पुकारेंगे, कैसे पुकारेंगे? वहां पर भी आपकी दशा यही होगी, वहां आपके सामने कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं होगा आपके सामने, कोई प्लैनेट्स नहीं होंगे आपके सामने, आपके दिल से और दिमाग से बस एक ही आवाज निकलेगी और आपके हाथ ऊपर होंगे और आप नजर ऊपर करके बोलेंगे, प्रभु इससे बचा लो। इन बातों से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 उदाहरण देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अपने जीवते परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन अधर्म ने सत्य को दबा के रखा हुआ है। जब आपकी दैनिक जीवन में सब कुछ ठीक होता है तब आपकी प्रार्थना का मुद्रा ये वाला नहीं होता। जब आप जंगल में मृत्यु के सामने खड़े हुए हैं या मृत्यु आपके सामने खड़ी है तब आपकी 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 जो मुद्रा है वो कोई प्रतिमा नहीं ढूंढ रही होती है, कोई फोटो नहीं ढूंढ रही होती है, कोई अगरबत्ती, कोई मोमबत्ती, कोई दियाबत्ती, कोई किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं ढूंढ रही होती है, केवल आप अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। तीसरा एक और उदाहरण मेरे जो याद आया मैं बता देना चाहता हूं, मृत्यु की शैया पर जब आप पड़े होते हैं और आपको लगता है अब मेरा आखिरी टाइम है, और आपको डॉक्टर भी जवाब दे देता है, पड़ोसी सब निराश हो जाते हैं, रिश्तेदार निराश हो जाते हैं, और उस समय भी आप प्रार्थना करते हैं, उस समय भी जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके आपकी नजर ऊपर वाले परमेश्वर की ओर होती है, और हाथ भी, कभी हाथ में अगर इतनी ताकत है कि उठ जाएं तो वो ऐसे ही उठते हैं कि ये प्रभु मुझे बचा, मुझे जिंदगी दे। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। इन 3 उदाहरणों से ये साबित होता है कि
परमेश्वर आकाश में रहता है, स्वर्ग में रहता है, ये आपको पता है, इनबिल्ट है आपके अंदर, जब आप पैदा हुए तभी से इनबिल्ट है, यू नो अबाउट हिम। लेकिन आपने क्या किया, जैसा आपको लोगों ने सिखाया वैसा ही आराधना का तरीका हो गया, वैसे ही आपने पकड़ लिया। आपने कभी सत्य की खोज करने की कोशिश नहीं की कि सचमुच में जब मैं बीमार होऊंगा, सचमुच में जब मैं जंगल में होऊंगा, सचमुच में जब मैं एक संकट में होऊंगा या पानी के अंदर डूब रहा होऊंगा, तब कौन सा परमेश्वर मुझे बचाएगा, कैसे मुझे प्रार्थना करनी होगी। तो मैं बता रहा हूं भटकना कैसे भटके हम। अब यहां लिखा है कि तुम्हारे मन में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है, लेकिन तुमने उसको सत्य को अधर्म से क्या कर दिया है, दबा दिया है। और इसी वजह से हम भटकते 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 परमेश्वर से इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए, और हम सृष्टि में खो गए, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि में खो गए। आगे पढ़ेंगे उसको। उसके अंधे के गुण, हाँ, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, उसके परमेश्वर के अंधे के गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य, यानी सनातन सामर्थ्य का मतलब जो उसने आरंभ से किया और आज तक चल रहा है, सनातन का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सूरज चांद तारों को बनाया, ये उसको बोलते हैं बिगिनिंग, सनातन सामर्थ्य। सूर्य को कहा पूरब से उगना, पश्चिम को डूबना, ये सनातन सामर्थ्य है उसकी, और वो बेचारा आज भी ऐसे ही कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए। और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जगत की सृष्टि से इन कामों को हम देखते हैं कि कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है जो पूरब को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को अपने कंट्रोल में किया है, हवाओं को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, बादलों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, सब चीजों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, कोई तो है दैव्य शक्ति। यहां तक वे निरुत्तर है, यहां तक कि वे निरुत्तर है, उनके पास पूछते हैं तो कोई उत्तर नहीं होता। आगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं की और धन्यवाद नहीं, और धन्यवाद नहीं किया, उसकी स्तुति नहीं की, उसकी प्रशंसा नहीं की, और क्या करने लगे, परंतु व्यर्थ विचार करने परंतु लगे, परंतु व्यर्थ विचारों में फंस गए, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, निर्बुद्धि मन में अंधेरा हो गया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान जताते हैं, लेकिन जीवते परमेश्वर कैसा होता है, परमेश्वर कैसे होता है, परमेश्वर के गुण क्या होते हैं, ये मैंने लॉकडाउन के समय में आपको बताया था कि परमेश्वर कैसा होता है। परमेश्वर के गुणों को अच्छी रीति से समझना और उसके बाद उसकी आराधना करना। चलिए आगे बढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर, अविनाशी का मतलब होता है नाश नहीं होने वाला परमेश्वर, को क्या कर दिया हमने, नाशवान मनुष्य, नाशवान मनुष्यों को हमने ईश्वर करके घोषित कर दिया, और पक्षियों की उपासना करने लगे, पक्षियों की उपासना करने लगे, और चौपायों और चार पांव वाले जानवरों की उपासना और आराधना करने लगे, और रेंगने वाले जंतुओं और रेंगने वाले जंतुओं की उपासना और आराधना करने लगे, मूर्त की समानता में बदल डाला, उनकी मूर्तों को हमने बना लिया और उसकी समानता में, वो हमने ये कहा कि ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपका परमेश्वर ये ऐसा है, नहीं ना? तो चलिए, भटक गए हम, चीजों में भटक गए हम, सृष्टि में भटक गए, कोई सूरज, कोई चांद, कोई तारे, कोई पेड़, कोई पौधे, कोई जीव, कोई जंतु, चार पांव वाले रेंगने वाले जंतुओं की उपासना, पूजा उपासना शुरू कर दी, और हम सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि में उलझ गए। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि में उलझ गए, भटके कहां, सृष्टि में। भटके हुओं को ढूंढने, खोए हुओं को ढूंढने कौन आया, यीशु मसीह आया। अभी मैंने आपको एक आयत पढ़ाई थी, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि भटके कहां, वो भेड़ भटकी कहां, भेड़ कहां चली गई। अब यीशु मसीह इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आया, और उसका उद्देश्य यह है कि भटके हुओं को रास्ता दिखा दे,
इसलिए लुका 19 अभी 10 में हमने पढ़ा, ये मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार। खोयों का मतलब भटके हुए। कहां भटक गए? सृष्टि में। कहां अटक गए? सृष्टि में। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूलकर सृष्टि की पूजा उपासना शुरू कर दी और हम भटक गए, परमेश्वर से कहीं दूर निकल गए। और हम जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने, वहां से वापस निकाल कर, झाड़ियों में से, बीच में से निकाल कर, सृष्टि में से निकाल कर, मेरे अजीजों, मेरा हमेशा एक नारा होता, आओ हम सृष्टि से सृष्टिकर्ता की ओर चलें। सृष्टि में जब तक उलझे रहोगे, समस्याओं में उलझे रहोगे। जब सृष्टिकर्ता के हाथ में चले जाओगे, सृष्टिकर्ता के पास चले जाओगे, समस्याओं से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आगे बढ़े। उनका मन निर्बुद्धि हो गया और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अब क्या हो गया? परमेश्वर ने जब बार बार नबियों को बोला और अपने बंदों के द्वारा समझाया, हमने समझा ही नहीं, हम बल्कि उनको निपटा दिया हमने। परमेश्वर का वचन कहता है वे आपस में शरीरों का अनादर करने के लिए छोड़ दिए गए। आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों है? इसीलिए है कि कोई समझाने आया, उसकी समझी नहीं हमने, हमने उसको निपटा दिया। तू होता कौन है हमारे बीच में इंटरफेरेंस करने वाला? ठीक है भाई, चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ी। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को, अब यहां लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला। सच्चाई को झूठ में परिवर्तित करने की कोशिश की, सच्चे परमेश्वर को अन्य चीजों में बदल दिया। आगे, और सृष्टि की उपासना और सेवा की। आप देखिए, आप समझ में आ गया ना? अभी इतना सारा समझाने, यहां लाने के लिए आपको इतना बड़ा समझाना पड़ा। सृष्टि की उपासना की, ना कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, ऐसा लिखा है, पढ़िए, न कि उस सृजनार की जो सदा धन्य है। आमीन। जो सदा धन्य है, जो सदा पवित्र है, जो सदा जीवित है, जो सदा ना बदलने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह विद्यमान है, उस परमेश्वर की उपासना आराधना ना करके, सृष्टि की उपासना आराधना करके हमने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ दिया। फिर भी उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अंत के दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और उस पुत्र ने आकर हमसे प्यार किया, हमको उस सृष्टि से, सृष्टिकर्ता से कहा। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कई बार बोला, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें पिता से मिलाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इफ यू वॉन्ट टू मीट गॉड, कम टू मी, मैं तुम्हें पिता से मिलाऊंगा। मेरे अजीजों, और हमने उसकी भी नहीं सुनी, हमने उसकी भी नहीं सुनी, और आज की तारीख में भी हम किसी की नहीं सुनते। कई लोग बोलते हैं, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनती हूं, कोई मुझे बोले मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं क्यों सुनूं पादरी साहब, मैं क्यों सुनूं? सुनना है, सुनने की आत्मा मांगो खुदा से। यही तो किया तुम्हारे बाप दादों ने, किसी की नहीं सुनी, यही तुम कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो, इसीलिए तुम्हारे घरों में लड़ाई और झगड़े, अशांति और परेशानियां हैं, एक भटकी हुई भेड़ों के समान। यीशु मसीह ने कहा अपने देह के दिनों में, मैं इन भेड़ों को जो तितर बितर हुई हुई हैं, बिना चरवाहे के देख रहा हूं, इनको एक चरवाहे की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज शाम मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इंसान भटक गया और भटक कर परमेश्वर से दूर हो गया। मेरे अजीजों, तो जो भेड़ का भटकना आज मैंने आपको बताया कि भेड़ जब भटक जाती है तो किस प्रकार से भटक जाती है और कहां भटक गई है, झाड़ी कांटों में फंस गई है, उलझनों में उलझ गई है। इब्रानियों के लेखक ने लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके उस दौड़ में धीरज से दौड़े जिसके लिए हमें बुलाया गया है। कुछ चीजें हैं जो हमें रोकती हैं, हम उलझ गए,
पाप ने हमको उलझा दिया है, कुछ चीजों ने हमें रोक दिया है। सृष्टिकर्ता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि भटके हुओं को रास्ता दिखाए। अभी एक मैंने एक आयत आपको पढ़ के सुनाई थी, एक दो आयत में चाहता हूं कि इस विषय में हम और देखें कि हम परमेश्वर का वचन बताता है। यूहन्ना 15:16 भी पढ़ें। तुमने मुझे नहीं चुना, प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर क्या लाओ, फल लाकर लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल क्या करे, बना रहे। हालेलुया। हाँ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें मैं दे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़िएगा लूका का 5 अध्याय उसका 32 पद। लूका 5:32। मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया हूं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। इफ यू आर अ सिनर, अगर आप एक पापी हैं तो यीशु मसीह आप ही के लिए इस दुनिया में आए। अगर आप खो गए थे सृष्टि में तो यीशु मसीह आप ही के लिए आया है। उसका जो बलिदान हुआ है वो केवल आपके लिए हुआ है, धर्मियों के लिए नहीं। यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को ये कहने आया हूं कि आओ मन फिराओ, आओ मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करो, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई हो गई। परमेश्वर का दास यशया 1:18 में बोलता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम बैठ कर बात करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, नीले रंग के हों, काले रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, कैसे भी हों, मैं उन्हें धोकर शुद्ध कर दूंगा। क्या आप अपने पाप धुलवाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना पाप का रास्ता छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप सृष्टि से निकलकर सृष्टिकर्ता के पास जाने को तैयार हैं? आपकी पीड़ा का कारण सृष्टि की उपासना है, आपकी पीड़ा का कारण आपका मन अशांत है और आप शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे, उसका कारण सृष्टि की उपासना है। आज से मैं कहना चाहता हूं, सृष्टिकर्ता की उपासना करो। सृष्टिकर्ता कौन? जिसने आपको बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने तारों को बनाया। मैं उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम है परमेश्वर, परम ईश्वर। वो आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा हम दिन में 25 बार बोलते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम मानते नहीं है इस बात को। मेरे अजीजों, जब इंसान डूब रहा होता है, जब इंसान मर रहा होता है, तो वो सच्चे परमेश्वर को, ऊपर वाले परमेश्वर को याद करता है। अगर वो दैनिक जीवन में भी ऊपर वाले को ही याद करे, प्रतिदिन के जीवन में भी, तो शायद वो डूबने का समय आए नहीं, शायद वो जंगल में शेर आए नहीं, और शायद आपको बिस्तर पर लेटने का समय आएगा नहीं। अच्छा, यीशु मसीह भटकियों को ढूंढने, खोयों को ढूंढने और उनको ठार करने आए। पढ़िएगा लूका 9:56। यीशु के आने का उद्देश्य समझा रहा हूं। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। एक आदमी ने बोला, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, मैं तेरे पीछे हो जाना चाहता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया। पढ़िएगा एक और आयत हम पढ़ेंगे, मरकुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। उसकी सेवा टहल के, यीशु के आने का उद्देश्य बता रहा हूं आपको आगे, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। एक जगह से और आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 10:10 और 11।
चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, परंतु चोरी करने और घात करने, घात करने और नष्ट करने आता है। यीशु मसीह ने कहा चोर का उद्देश्य ये है, पर मेरे आने का उद्देश्य ये है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, कि कौन जीवन पाए, भटके हुए लोग जीवन पाए और बहुत भटके हुए लोग सृष्टिकर्ता से मिला दिए जाए, खोया हुआ बेटा बाप से मिला दिया जाए, कोई भी सृष्टि सृष्टिकर्ता के पास आ जाए। उद्देश्य समझ लीजिए यीशु मसीह के आने का, तुम्हें जीवन दे, बोर जीवन भी कैसा, बहुतायत का, बहुतायत का मतलब होता है अबेंडेंट लाइफ, अबेंडेंट लाइफ में होता है खुशियों से भरा हुआ जीवन। मेरे आशीषों, परमेश्वर के वचन में हमने बहुत सारी जगह देखा कि वो खोया हुआ को ढूंढने आया, भटके हुए को ढूंढने आया, हम भटक गए थे। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अभी अपन चरवाही की बाद में करेंगे ना, लेकिन आज शाम हम यहां पर भटके हुए लोगों के बारे में देख रहे हैं। भटका हुआ व्यक्ति, मती 9:13 पढ़े, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। हाँ। मैं बलिदान नहीं, हाँ, परंतु दया चाहता हूं। हाँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अगर आप पापी हैं तो आपको यीशु की जरूरत है। मरकुस का 2 अध्याय उसका 17 पद, यीशु यह सुनकर उनसे कहा, ये सुनकर क्या सुना यीशु मसीह ने, उसको जानने के लिए आपको 13 आयत से पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए 13 से पढ़िए। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आ गई और यीशु मसीह वहां प्रीचिंग करने लगा, उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। एक व्यक्ति को चुंगी के चौकी के ऊपर, चुंगी चौकी जो होती थी टैक्स कलेक्शन के लिए लोग बैठते थे, एक व्यक्ति मती नाम का व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। ये व्यक्ति कैसा था? टैक्स कलेक्टर। कैसा होगा वो आप सब जानते हैं, संसार में खोया हुआ, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ होगा, कई लोगों का अवैध रूप से पैसा लिया हुआ होगा, रिश्वत खाना इसका परम कर्तव्य होगा। लेकिन एक दिन यीशु से एनकाउंटर हो गया, यीशु उसको मिल गया। यीशु ने कहा तेरा स्थान ये नहीं है, फॉलो मी। क्या बोला? फॉलो मी। देखिए, एक व्यक्ति के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एक व्यक्ति ने कहा मैं तेरे पीछे हो लेना चाहता हूं, लेकिन यीशु ने कहा भाई आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं और लोमड़ियों के भट्टे, मेरे पास तो रहने का स्थान नहीं है। यीशु मसीह ने उसके अंतर जाकर के झांक लिया था कि क्यों इसने ऐसा कहा है। इसलिए उसने, यीशु मसीह ने बोला लोमड़ियों के भट्टे होते हैं और चिड़ियों के घोंसले होते हैं, पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मेरे पास सर रेखने को भी जगह नहीं, तू मेरे पीछे क्यों आना चाहता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का उद्देश्य ठीक नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अंतर्यामी है, पहचानते हैं। लेकिन यहां यीशु मसीह ने इस चुंगी लेने वाले से कहा फॉलो मी, क्योंकि ये पापी, ये भ्रष्टाचारी है, परमेश्वर से दूर है, खोया हुआ बेटा है, खोई हुई भेड़ है, खोया हुआ भटका हुआ इंसान है। और जब यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तो क्या हुआ? वह उठकर उसके पीछे हो लिया। कोई यीशु के पीछे आना चाहता है, यीशु मसीह उसको मना कर देता है, किसी को बुला लेता है। पता है ऐसा क्यों? मनसा पहचानता है हमारा परमेश्वर। वो मालूम था यीशु मसीह को कि ये मेरे पास रोटी कपड़ा मकान के लिए आ रहा है। जो रोटी कपड़ा मकान के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं वो सबसे अभागे हैं, बता देता हूं मैं आपको। अनंत जीवन पाने के लिए अगर आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे? जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा। हाँ, किसके घर में चला गया भोजन करने? चुंगी लेने वाले के, टैक्स कलेक्टर के, पापी के घर में जाकर खाना खा रहा है। ये बात वहां के फरीसी और सदूकी जो लोग थे, शास्त्री लोग थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्या कहा?
तब बहुत से चुंगी लेने वाले तब बहुत सारे और चुंगी लेने वाले और पापी मनुष्य यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे कितने क्योंकि वे बहुत से थे। एक को पुकारा, एक पीछे आया, बहुत सारी भटकी हुई भेड़े यीशु के पीछे आ गई, यीशु के पास आ गई और चेलों के साथ वो बैठकर कौन लोग थे, वो पापी लोग थे। पापियों के बीच में उसने डेरा किया, पापियों की बात को समझने के लिए। उन हमारी लड़ाई पाप से है, पापियों से नहीं है। हमारा झगड़ा शराब से है, शराबी से नहीं है। हमारा झगड़ा नशे की चीजों से है, नशेड़ी से नहीं है। हम नशेड़ी को आज भी मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो नशा छोड़कर प्रभु के पास आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए, अपना परिवार संभाले। और यहां लिखा है कि वो शास्त्री और फरीसी ये देख करके कि ये तो पापियों का और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, ये तो पापियों का मित्र बन गया, चुंगी लेने वालों के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, जो रिश्वत खोर है, भ्रष्टाचारी है, उनके साथ इसका उठना बैठना है। उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। अरे तुम्हारे गुरु को समझाओ, कुछ अकल वकल दो तुम्हारे गुरु को, यार ये क्या कर रहा है। क्योंकि शास्त्री और फरीसी जो उस जमाने के धर्म के ठेकेदार थे, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखते थे, ऐसे लोगों को नीची नजरिए से देखते थे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना बिल्कुल अलाउ नहीं था। यीशु मसीह ये सब कुछ मिटाने के लिए आ गया। यीशु मसीह ये जात पात का धंधा मिटाने आ गया, जात पात की जो बात है उसको मिटाने के लिए यीशु मसीह आया इस दुनिया में। और यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। यीशु का जवाब सुनिए आप, यीशु मसीह का जवाब लाजवाब होता था। यीशु ने कहा, भले चंगों को, भाई जो बीमार नहीं है वो अस्पताल क्यों जाएगा? जो बीमार नहीं है, जिसके पेट में दर्द नहीं है, वो वैद्य के पास क्यों जाएगा? लेकिन जो बीमार है, जो इसका मतलब है यीशु मसीह क्या कह रहा है, पाप जो है वो एक बीमारी है, पाप जो है वो एक बीमारी है, और उस पाप नामक बीमारी को दूर करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, एक वैद्य की जरूरत है। और पाप का वैद्य, पाप को मिटाने वाला वैद्य केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है, वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं पापियों को बुलाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अच्छी बात है, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। अगर आप भटके हुए हैं, आपके लिए एक आशा है। आपके पास कोई चरवाहा नहीं है, आपके पास एक आशा है। एक छोटा सा कोरस है, उसके बोल है इस प्रकार से, एक छोटी भेड़ खो गई थी, एक छोटी भेड़ खो गई थी, वो मैं करके चिल्लाती थी। चरवाहा आया उसके पास, उसमें आई जीवन की आस, वो मैं करके चिल्लाती थी। क्यों चिल्लाती थी? मुझे कोई बचाए, मुझे कोई बचाए, और बचाने के लिए कोई नहीं आया। और वो है चरवाहा आया। चरवाहे के बारे में कल, अगर प्रभु ने जिंदगी दी, कल जरूर हम चरवाहे के बारे में देखेंगे कि एक सच्चा चरवाहा कैसा होता है, सच्चे चरवाहे में क्या गुण होते हैं। लेकिन आज भटकना क्या होता है, भेड़ भटकी कहाँ है, ये भी तो मालूम होना जरूरी था। इसलिए कल हमने भेड़ के बारे में देखा, आज भटकने के बारे में देखा। आज बहुत सारे लोग हैं जो सृष्टि में भटक गए। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य वस्तुओं में उलझ गए, चीजों में उलझ गए, भौतिकवाद में उलझ गए हैं। और प्रभु चाहता है कि उन भटकेओं को रास्ता दिखाए, और उनको रास्ता दिखाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। यीशु के आने का उद्देश्य यही है कि आप और मैं जो पापी हैं वो नजात पाएं, उद्धार पाएं,
अनंत जीवन पाए, नरक जाते जाते हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग हो जाए, तो प्रभु ऐसा करने के लिए आपको बल शक्ति और सामर्थ्य बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे कि आप ऐसा कर सकें। अगर आप ऐसे बहुत सारे भटके हुए लोगों को जानते हैं, प्रार्थना कीजिए उनके लिए कि वो उनका भटकना बंद हो जाए। मैं आप भी चाहता हूं कि आपके लिए प्रार्थना करूं, ताकि आप भी यदि भटके हुए हैं तो उस चरवाहे के पास आ जाएं जिसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा, महान चरवाहा, भेड़ों का महान रखवाला। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए। सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा जीवन तुझे ग्रहण योग्य हो। आज जो वचन हमने देखा प्रभु कि भेड़ कहाँ भटक गई, ये जानना बहुत जरूरी था प्रभु। भेड़ भटकी तो कहाँ भटकी, कहाँ चली गई, कैसे चली गई, क्यों उलझ गई प्रभु, और किस प्रकार से आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। प्यारे परमेश्वर, आज हमारी दुआ है जितने भटके हुए हैं उनको रास्ता मिल जाए। और प्रभु यदि आज शाम यदि कोई बीमार है तो तेरी दिव्य चंगाई पहुंच जाए। आज शाम प्यारे परमेश्वर, यदि आप में से कोई प्रभु के स्पर्श को महसूस कर रहा है और अपने आप को भटका हुआ महसूस करता है, मेरे अजीजों मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पास है, पकड़ लीजिए उसे। प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे कि हम उसे पकड़ ले। धन्यवाद करते हैं तूने हमें बल दिया। प्रभु जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे खुदावन, उनकी खुशियों को तो और बढ़ा दे। आने वाला साल उनके लिए आशीष खुशियों का वर्ष हो। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा विलासा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ में शेयर करें और लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर्स स्क्रीन पर हैं, और प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमें उठाए रखें, प्लस अपने आर्थिक सहयोग, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर आपके लिए मौजूद है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।